फ्रेंड्स, मैंने कल आपको फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स या फीमेल जेनिटेलिया के बारे में ग्रास हॉपर के बताया था। आज मैं आपको मेल जेनिटेलिया के बारे में बताऊंगा। मेल जेनिटेलिया या मेल जेनिटल ऑर्गन्स, ये ग्रास हॉपर के पीछे के साइड पे, ये देखिए आठवां टर्गा है, फिर नवा और दसवां टर्गा आपस में बिल्कुल मिले हुए होते हैं और एक ही टर्गा दिखाई पड़ते हैं। अगर देखा जाए तो ये नवा और दसवां टर्गा आपस में मिले हुए होते हैं। इसके बाद एक क्यूटिकल की बनी हुई प्लेट होती है जिसको सुप्राइनल प्लेट कहते हैं। सुप्राइनल प्लेट के नीचे की तरफ दोनों साइड्स में, जैसे कि यहाँ पर था पोडिकल प्लेट्स, ये पोडिकल प्लेट्स होती हैं, एक इस साइड में एक उस साइड में। ऊपर की तरफ से सुप्राइनल प्लेट, साइड्स में पोडिकल प्लेट्स, और नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो इसमें नीचे ये आठवां टर्गाइट है, सॉरी स्टरनाइट है। आठवें स्टर्नम के बाद में नवा स्टरनाइट जो होता है, वो नवा स्टरनाइट दो खंडों में विभाजित होता है। पहला वाला खंड इसका ये है जो कि वास्तविक स्टरनाइट होता है, और दूसरा खंड इसका जो है वो दोनों इस स्टरनाइट के दोनों कॉक्साइड्स के मिलने से बनता है, इसीलिए इसको गोनोकॉक्साइड भी कहते हैं। इसको मिलाकर के सब जेनिटल प्लेट भी इसको कहा जाता है। तो ऊपर से सुप्राइनल प्लेट, नीचे से सब जेनिटल प्लेट इस पीछे के हिस्से को इस तरह से बंद रखती हैं, इसी के अंदर इनका वास्तविक जनन, जिसको फैलस कहते हैं या पेनिस कहते हैं, स्थित होता है। अब इनका जो वास्तविक जनन अंग है, अगर इसको देखा जाए, ये फैलस कहलाता है। इसके दो भाग होते हैं, आधारीय भाग जो है उसको फैलोबेस कहते हैं, और आगे के हिस्से को एडिगस कहते हैं। एडिगस और इसके बीच में मध्य में ये क्यूटिकल के बने हुए स्यूडो स्टरनाइट्स होते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण जनन अंग का निर्माण करते हैं। और इसके बाद में ये यहाँ पर देख लीजिए, ये स्पर्म सैक है, और यहाँ इनका जो है ये मेल जेनिटल अपर्चर है, नर जनन छिद्र है, और यहाँ पर ही दो क्यूटिकल के ही बने हुए पैरामियर्स होते हैं, और ये यहाँ पर टेटी लेटर्स आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये इनका मेल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। तो ये फीमेल मैंने बताया था, मेल बताया था। इसके बाद में जब आप ये समझ लीजिए, जब ये विश्रामावस्था में होते हैं, यानी कॉपुलेशन की स्थिति में नहीं होते हैं, तो इनका ये अंग ऊपर से सुप्राइनल प्लेट और नीचे से सब जेनिटल प्लेट एक दूसरे से विपरीत आकर के इस पिछले हिस्से को बंद रखते हैं। मैथुन के समय क्या होता है, फीमेल के दोनों वाल्व, ऊपर का डार्सल वाल्व, नीचे का वेंट्रल वाल्व खुल जाते हैं, और मेल में सुप्राइनल प्लेट और सब जेनिटल प्लेट एक दूसरे से अपोजिट दिशा में हो जाती हैं, और ये इनका जेनिटल ऑर्गन जो होता है, जिसको फैलस कहते हैं, ये दिखाई पड़ने लगता है। अब मेल के स्यूडो स्टरनाइट्स और पैरामियर्स फीमेल को पकड़ लेते हैं। ऐसी दशा में मेल के और फीमेल के दोनों के जनन छिद्र आपस में सड़ जाते हैं, जिससे मेल से स्पर्म मादा के स्पर्मेटिका में चले जाते हैं, और स्पर्मेटिका में स्पर्म संचित रहते हैं। बाद में जब एग लेइंग होती है, तब इन स्पर्म का यूज करके मादा अंडे को फर्टिलाइज करती है। तो ये दोनों जेनिटल ऑर्गन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनका आपसे डायग्राम पूछा जा सकता है, लेबर डायग्राम किसी का भी पूछा जा सकता है, या दोनों के ही डायग्राम पूछे जा सकते हैं, या दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको आप तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।